Welcome back guys, time for another ultimate camera comparison. फ्लैशबैक तो गाइस आपने देख लिया, आज मैं ये कंपैरिजन फिर से परफॉर्म कर रहा हूँ बिकॉज मैंने ये वीडियो दो बार बनाया, समहो मैं सेटिस्फाइड हुआ नहीं शॉट से लेके या एक्चुअल रिजल्ट से लेके कितना वेरिएशन कैसे आ सकता है, दैट्स व्हाई लेट्स डू अगेन। और आज मैं गाइस एक सुपर कंपैरिजन करना है तीन हॉट फोन्स के बीच में। आज जैसे बात करें आईकू 12 की, तो ये सुपर फ्लैगशिप किलर फोन है बिकॉज फ्लैगशिप अब कई तरह के लॉन्च होते हैं। आईफोन मोस्ट हाईएस्ट फोन है जो आप बाय कर सकते हैं और विदाउट फोल्डिंग फोन में S23 अल्ट्रा वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फोन है। तो ये देखना है क्या ये सुपर फ्लैगशिप किलर आईकू 12 कितना टफ कंपटीशन दे सकता है बोथ दी S23 अल्ट्रा एंड दी आईफोन 15 प्रो मैक्स। जस्ट लाइक ऑलवेज हम डिफरेंट पॉइंट सिस्टम रखते हैं, प्रॉपरली जज करेंगे कि किस फोन में फोटो कैसी आ रही है, किस फोन में वीडियोस कैसा आ रहा है, किस फोन का सेल्फी बेटर है और एट द लास्ट हम ये डिसाइड करेंगे क्या आईकू 12 सुपर अमेजिंग फोन है। अगर आप इस फोन को ले लें तो आपको प्रो फोन जाने की जरूरत नहीं है या जो प्रो फोन होते हैं वो प्रो फोन ही होते, कोई इन्हें बीट नहीं कर सकता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सभी फोटो को हमने डिटेल में एनालाइज किया है, बड़े स्क्रीन पे काफी जूम करके देखा, फिर मैं आपको बताता हूँ। एंड यस ऑफ कोर्स गाइस मेरी फाइंडिंग्स मेरे व्यू के अकॉर्डिंग हो सकती है, आपका परसेप्शन अलग हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से भी खुद का नंबर सिस्टम कर सकते हैं। सबसे पहले हम कलर्स डिटेल्स एंड एक्यूरेसी चेक करते हैं, स्पेशली ब्राइटर ऑब्जेक्ट की आउटडोर इंडोर सिचुएशन में। आउटडोर इन्वायरमेंट यानी कि कम्प्लीटली नेचुरल लाइट की बात करें तो यहाँ पर जो डिटेल्स एंड एग्जैक्ट कलर्स निकल के आ रहे हैं वो सैमसंग थोड़ा ज़्यादा बेटर प्रोड्यूस कर रहा है। आईफोन में क्या है हल्का सा कंट्रास्ट बढ़ा हुआ रहेगा थोड़ा सा, बट सैमसंग समहाउ बेटर निकल गया था। आईक्यू में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट और ब्राइट फोटोज़ दी जा रही है, लाइक कंप्लीटली रेडी टू पोस्ट सोशल मीडिया वाली है। इनके सबको वो फोटोज़ पसंद है तो आप वो ठीक है सकता है, लेकिन हम यहाँ पे बेटर कोशिश ये कर रहे हैं कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा नेचुरल है। वही अगर हम इंडोर में जाते हैं तो यहाँ पे क्या है कि रिजल्ट थोड़ा सा चेंज आ रहा है। आईफोन समहाउ बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट बढ़ा दे रहा है, तो जो फोटोज ओवरऑल निकल के आ रही है थोड़ी सी डार्क निकल के आ रही हैं, थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम लग रही है। तो कलर्स डिटेल्स की बात करें तो सैमसंग सबसे बेटर से आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है। मूविंग फर्दर पोर्ट्रेट इमेज की बात करते हैं बिकॉज ये बहुत ही एक्साइटिंग फील्ड होता है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट फोन्स डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कुछ में 1x में अच्छा था, कुछ में 2x में अच्छा आता है। जो यहाँ पे हमने देखा आईक्यू से स्टार्ट करें, आईक्यू में कहना है कि समहाउ बोके लेवल बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। वे अगर हम आईफोन और सैमसंग की बात करें, देखो अगर एज डिटेक्शन देखें तो बहुत आईफोन एंड सैमसंग में बहुत ही प्रॉपर डिटेल्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन समहाउ आईफोन में यहाँ पे अगेन प्रॉब्लम वही है कि हल्का सी कंट्रास्टी मिल जा रही है, शेडोज थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जा रहा है, ल्यूमिनेस मेंटेन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। वही अगर हम सैमसंग की बात करें तो बोके लेवल तो जस्ट लाइक आईफोन ही है, लेकिन यहाँ पे जो फेस डिटेल आ रही है ना, जो ल्यूमिनेंस है वो प्रॉपरली मेंटेन हो जा रहा है। तो आप बेटर पोर्ट्रेट ले सकते हैं सैमसंग से। अगेन ऐसा नहीं कि आईफोन बैड है, बट सैमसंग थोड़ा सा बेटर एंड अपीलिंग लग रहा है। मूविंग फर्दर गाइस चैलेंजिंग सिचुएशन में आते हैं यानी कि लो लाइट में। अब आईक्यू से स्टार्ट करें, आईक्यू में देखो प्रॉब्लम ये लग रही है कि कलर थोड़ा सा बढ़ा हुआ लग रहा है। ऑफकोर्स दिखने में वो चीज़ अच्छी लगती है, बट यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना वो प्रॉपरली फोकस नहीं, लाइक पूरा ऑब्जेक्ट आपको नजर नहीं आएगा। आईफोन की बात करें, आईफोन में बेटर क्या है कि देखो सब्जेक्ट का डिटेल तो अच्छा नज़र में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो नॉइस आप कह सकते हैं ना वो समहाउ थोड़ा सा बढ़ा हुआ आपको फील हो जाएगा, तो ग्रेन्स ज़्यादा पा रहे हैं। सैमसंग की बात करें, सैमसंग में डिटेल्स भी आईफोन जैसी अच्छी आ रही है, बट यहाँ पे नॉइस बहुत ही कम है। बट हाँ, बैकग्राउंड का जो है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन एक्चुअल सब्जेक्ट बहुत ही प्रॉपरली विजिबल हो रहा है। तो अगेन लो लाइट भी सैमसंग थोड़ी सी अच्छी प्रोड्यूस कर रही है। मूविंग फर्दर गाइस मैक्रो शॉट की बात करते हैं। देखो ये फोन टू फोन इम्प्लीमेंटेशन चेंज होता है, जैसे कि आईक्यू की बात करें तो यहाँ पे क्या है कोई डेडिकेटेड आपको मैक्रो लेंस नहीं मिल रहा है, इंस्टेंट जो टेलीफोटो लेंस है वो मैक्रो पे, जैसे आप मैक्रो मोड ऑन करते हैं तो ये इंस्टेंटली 3x पे स्विच हो जाता है और आपको थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट करना पड़ सकता है। ये रहा इसमें कहानी। सैमसंग एंड एप्पल में कहानी क्या है कि यहाँ पे आपको फोकस इन्हेंसर और मैक्रो मोड बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन मिलता है, यानी कि अगर आप सब्जेक्ट के क्लोज जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अल्ट्रा वाइड लेंस पे स्विच कर जाता है। इस तरीके से देखा जाए पर्सनली मुझे बहुत सैमसंग एंड एप्पल के मैक्रो पसंद आते हैं। ये मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे कि एक सिचुएशन में आपने देखा सैमसंग बेटर शॉट ले रहा है और इंडोर में आपने देखा कि एप्पल बेटर शॉट ले रहा है, तो आप डिपेंड करता है आप कैसे लेते हैं, तो बहुत यहाँ पे सैमसंग से एप्पल से आप बेटर मैक्रो ले सकते हैं। नेक्स्ट लेंस पे स्विच कर लेते हैं गाइज, अल्ट्रा वाइड की बात कर लेते हैं। मेगापिक्सल वाइज सबसे ज्यादा आपको आईक्यू मिल रहा है। ओके कलर्स डिटेल से फाइंड आउट करते हैं। जैसे अगर आप
सब्जेक्ट को देखेंगे, जिस सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, जो आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो जो है वो आईक्यू और सैमसंग में काफ़ी बढ़िया डिटेल के साथ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एप्पल में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो हल्का सा कंट्रास्ट बढ़ा दे रहा है, दैट्स वाई डिटेल्स थोड़ी सी मिस हो जा रही हैं। स्काई से कलर की बात करें तो सैमसंग एंड एप्पल में ये ज़्यादा बेटर निकल के आ रहा है, आईक्यू में क्या थोड़ा सा फेड हो जा रहा है। इन सारी मैथ्स को आप जोड़ेंगे तो फाइनल मिरर आपको निकल के आता है सैमसंग आपको बेटर क्लास अल्ट्रा वाइड के शॉट लेके दे सकता है। मूविंग फर्दर गाइस, थर्ड लेंस पे आ जाते हैं, टेलीफोटो लेंस कैसे परफॉर्म करता है। तीनों फोन में आपको डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस मिलते हैं, जैसे कि सैमसंग से आप अप टू 3x and 10x ऑप्टिकल जूम ले सकते हैं, आईफोन में क्या है अप टू 5x ऑप्टिकल शॉट ले सकते हैं, आईफोन में क्या है कि अप टू 3x ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपने रिसर्च देख लिया, मेन कैमरा जैसे ही क्वालिटी आ रही है। आईफोन में आप मैक्स टू मैक्स 25x तक जूम कर सकते हैं और क्वालिटी तीनों फोन में 25x तक बहुत ही अच्छी आती है। आईक्यू में बढ़िया बात क्या दी गई है, आई थिंक ये वन ऑफ दी ओनली फोन है जो लेटेस्ट लॉन्च में आपको इस प्राइस में अप टू 100x जूम का फीचर देता है। आईफोन में ऐसा कोई फीचर नहीं है, सैमसंग में 100x मिलता है। एक्चुअल 100x कंपेयर करें तो जो सैमसंग के फ़ोन में टेक्स्चर्स और डिटेल आ रही है वो ज़्यादा क्लियर निकल के आ रही है। सो अगेन जूमिंग कैपेबिलिटी में आपको बेटर शॉट्स सैमसंग से ही मिलते हैं। फ्रंट कैमरे की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे क्या कहानी है। आईक्यू में जो अगेन कलर निकल के आ रहा है वो थोड़ा सा इन्हेंस लग के आ रहा है, लिटिल बिट ऑफ ब्यूटिफिकेशन है, इवन दो मैंने सब चीज ऑफ कर रखी है। ब्लर वर्क तो इसमें ठीक है, फेस का कलर चेंज आ रहा है। एप्पल एंड सैमसंग में क्या है कि शॉट्स अच्छे निकल के आ रहे हैं। डिटेल्स की बात करें और ब्लर एज डिटेक्शन की बात करें तो एप्पल में ये चीज़ ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा सैमसंग ना बिट ऑफ मोर नेचुरल फील हो रहा है। आईफोन में क्या हल्का सा कंट्रास्ट बढ़ा हुआ है। अब विनर यहाँ पे सैमसंग इसलिए जाता है बिकॉज सैमसंग में आप बहुत नॉर्मल अल्ट्रा वाइड शॉट भी ले सकते हैं सेल्फी से, एंड पोर्ट्रेट भी आप नॉर्मल अल्ट्रा वाइड में ले सकते हैं। सो आप बेटर क्वालिटी की सेल्फी ले सकते हैं सैमसंग के S23 अल्ट्रा से। क्विक फ्रंट कैमरा वीडियो टेस्ट गाइस इन सब तीनों फोन से, एंड रेजोल्यूशन वाइज आईक्यू में जस्ट एंशिएंट 1080p 30fps है, जबकि आईफोन एंड दी गैलेक्सी में आप फ्रंट से 4K 60 बना सकते हैं। देखिए डिफरेंस क्लियर नज़र आ रहा होगा, लाइक जैसे आईफोन में एंड गैलेक्सी में काफ़ी वाइडर बिकॉज मोर पिक्सल्स हैं, मोर एरे, लेकिन आईक्यू में थोड़ा सा आपको क्रॉप्ड दिख रहा होगा, लाइक पास आ गए हैं। प्लस डिटेल्स जैसे कि पीछे की वॉल है वो मुझे काफ़ी बेटर नज़र आ रही है आईफोन में एंड गैलेक्सी में, बट यहाँ पे थोड़ी सी आपको कम डिटेल्स मिलेगी। सो स्पेशली अगर आप ज़्यादा व्लॉगिंग करते हैं फ्रंट कैमरे से तो शायद ये आईक्यू आपके लिए बेटर नहीं, लेकिन अगर आईफोन और गैलेक्सी की बात करें ये तो गाइस बहुत एंशिएंट डिबेट है, जो आपको पसंद आता हो। लेट्स डू अ क्विक फ्रंट कैमरे से हम ऑडियो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं ये सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा से है, अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं ये आईफोन 15 प्रो मैक्स से है, एंड अब जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये आईक्यू 12 से है। लेट मी नो किस फोन का ऑडियो आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है। दोनों आईफोन एंड दी सैमसंग बेटर हैं। आईफोन में क्या है कि एजेस पे हल्का सा आपको ग्लो इफेक्ट ज़्यादा नजर आएगा, यू नो थोड़ा सा एक्सपोजर मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, थोड़ा सा बर्न इफेक्ट मिल सकता है, जबकि सैमसंग में ये चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए तो सैमसंग आपको बेटर सेल्फी वीडियोस दे रहा है, लेकिन एक बात आपने नोटिस की होगी, जो एप्पल के फ़ोन से जो ऑडियो कैप्चर हुई थी वो काफ़ी बेटर क्वालिटी की थी। तो इससे देखा जाए तो बोथ आप एप्पल एंड सैमसंग से बेटर क्वालिटीज़ के सेल्फी वीडियो बना सकते हैं। लेट्स डू अ ह्यूमन सब्जेक्ट टेस्ट गाइस, ये 4K 60fps हम तीनों फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये रहे वो तीनों फ़ोन। ऑलराइट, जस्ट पीछे मेरे सूरज है और विंटर है, बहुत तेज़ धूप भी नहीं होती है, तो फेस कलर किसमें सही आ रहा है, स्किन टोन कैसा रहा, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैं देख नहीं रहा हूँ तो आपको बताना पड़ेगा कैसा रहा। ओके, थोड़ा सा मैं चलता हूँ, 4K 60 में कौन सा ज़्यादा स्टेबलाइज है उसी क्वालिटी आप निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि आईफोन और सैमसंग ज़्यादा बेटर होने चाहिए, जितना हमने पास में अभी आईक्यू 12 को टेस्ट किया तो मुझे थोड़ा अंदाजा ऐसा लग रहा है थोड़े से मच बेटर होने चाहिए। ट्रांजिशन इफेक्ट देखते हैं, अभी मैं ऐसे घूमूंगा ठीक है, और जब सूरज मेरे पीछे आएगा तब आप देखिएगा ट्रांजिशन इफेक्ट कैसे चेंज हो रहा है। कौन सा फ़ोन फास्ट है, क्या 8 Gen 3 इतना पावरफुल है कि बायोनिक और 8 Gen 2 को स्ट्रेट अवे हेड कर दे रहा है, तो ये आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। एप्पल थोड़ी सी बेटर क्लास की डिटेल, सारा सब्जेक्ट प्रॉपरली आपको फोकस मिलेगा, शैडोज हर जगह आपको बढ़िया डिटेल मिली है। ऐसा नहीं कि सैमसंग बैड है, बट एप्पल आपको थोड़ा सा बेटर क्लास वीडियो प्रोवाइड करा है। अनदर पॉइंट इसलिए भी क्योंकि एप्पल का जो फॉर्मेट होता है ना MOV बनता है, वो थोड़ा सा स्पेस कम लेता है कंपेयर टू जो MP4 सैमसंग और एंड्रॉयड में बनता है। दैट्स वाई
एप्पल से आप बेटर 4K 60 की वीडियोस बना सकते हैं। अल्ट्रावाइड वीडियो की बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिए सेम कहानी है जैसे कि रियर कैमरे में थी, यानी कि मेन सेंसर से। डिटेल सब में अच्छी आ रही है, आईक्यू भी ठीक है, सैमसंग उससे ज़्यादा बेटर है, बट एप्पल आपको थोड़ा सा और मच बेटर डिटेल, कलर कंट्रास्ट एंड शेडो डिटेल प्रोवाइड कर रही है। तो वीडियोज़ के लिए आई थिंक आपको एप्पल थोड़ा सा प्रीफर करना चाहिए अगर आप एप्पल सिस्टम में हैं, इको सिस्टम में। MOV फाइल्स को सारी फाइल्स थोड़ी सी आपको इसमें ज़्यादा बेटर मिल सकती हैं। यहाँ पे आईक्यू में आपको 8K का सपोर्ट मिलता है, सैमसंग में 8K मिलता है, लेकिन एप्पल में कोई भी 8K सपोर्ट नहीं देगा। आईक्यू वर्सेस सैमसंग की बात करें तो 8K जो वीडियो है वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है सैमसंग में। आईक्यू में क्या, अगर आप जैसे 8K लगाते हैं तो वो कम्प्लीटली स्टेबलाइजेशन डिसेबल करता है। इवन तो 8K इतना मच स्टेबलाइज नहीं होता, लेकिन सैमसंग थोड़ा सा आपको बेटर शॉट दे रहा है ऑन दी 8K। एट द एंड गाइस, हमने सारे सैंपल्स चेक कर लिए, बोथ फोटोज एंड वीडियोज। समरी की बात करें, देखो चार्ट आपके सामने आपने देख लिया, सारे चेक मार्क्स सब कुछ देख के बात करें तो सैमसंग ओवरऑल ज़्यादा विनर निकल के आ रहा है फोटोज़ में, बहुत सारे सिचुएशन में। ऐसा नहीं कि एप्पल बैड है, बट सैमसंग समहाउ बेटर फीलिंग शॉट्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। वीडियोस में आईफोन डेफिनेटली विनर है, लेकिन ऐसे नहीं कि सैमसंग के वीडियोस बेकार हैं, जस्ट मैटर ऑफ फैक्ट आपको क्या पसंद आ रहा है। आईक्यू में क्या है कि देखो डिटेल्स ठीक आ रही हैं, सब कुछ अच्छी है, लाइक कोशिश बहुत अच्छी कर रहा है, कम प्राइस में आपको एक फ्लैगशिप लेवल की फीचर देने की कोशिश जा रही है, यानी कि फ्लैगशिप टाइप की फोटो ले सकते हैं। एग्जैक्टली फ्लैगशिप लुकिंग फोटोज वीडियोज आपको लेना है तो आपको फ्लैगशिप सुपर फ्लैगशिप फोन्स पर ही जाना पड़ेगा। लेकिन बिग कैच देखिए क्या है, प्राइस फैक्टर का इस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आईक्यू का अगर हम प्राइस देखें तो ये सैमसंग से काफ़ी कम है। ये फ़ोन आपको 1,20,000 का मिल जाता है, ये आपको 50% मिलता है, हाफ प्राइस से भी ज़्यादा डिफरेंस है। और भाई अगर हम इसको एप्पल से कंपेयर करें तो ये 1/3 प्राइस का, ये 1,60,000 का पड़ता है, ये उस जस्ट 50,000 का है। तो प्राइस फैक्टर के हिसाब से आईक्यू बहुत ही सही काम कर रहा है। जैसे इसीलिए मैंने आपको पहले कहा आपको फ्लैगशिप ग्रेड के यहाँ पे फीचर्स मिले, लेकिन आपको सुपर फ्लैगशिप वाले फीचर्स चाहिए ना, एग्जैक्टली फ्लैगशिप वाले, तो आपको इन्हीं फ्लैगशिप फोन्स पर ही जाना पड़ेगा। विद टाइम में भी आईक्यू में ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ सकता है, तो शायद कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए, तो उसके लिए आपको चैनल पर बने रहना पड़ेगा। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। दैट्स इट विद द कंपैरिजन। अपने भी थॉट्स आप जरूर शेयर करिएगा कि आपको कौन सा फोन ज़्यादा बेटर लग रहा है। सी द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।